ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में फिर होम्योपैथी। होम्योपैथिक में एक दवा जो गांजे से बनी है उसका नाम है कैनाबिस इंडिका। ये बहुत काम की दवा है और बहुत ही इसके रिजल्ट जो हैं बहुत फाइन है। इसका मदर टिंचर काम आता है, तीस पोटेंसी काम आती है और 200 पोटेंसी काम आती है। ये औषधि गांजे से बनती है। मृगी रोग लकवा एक वस्तु की दो दिखाई देना, तुतला कर बोलना, महिलाओं का सूती को उन्माद, पुरुषों में दर्द युक्त लिंगोत्थान, प्रमेह और सिर की पीड़ा आदि व्याधियों में इस दवा का सफल प्रयोग होता है। इस दवा के लक्षण, मुख्य लक्षण मुंह के मुख व होठ खुश्क रहे, मुंह में लागा और सट जाने का उपक्रम, सोते में दांत चकना या चबाना या कड़कड़ाना, गला खुश्क हो जाना, आँखों में चकाचौंध, आँखों में जाला पड़ना व लाली पड़ते समय अक्सर सटे हुए से दिखना, एक वस्तु की दो वस्तु देखना, इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इस दवा के सिर के लक्षण, माथे की हड्डी के एक बार खुलना और एक बार बंद होना जैसा आभास होना, सिर की हड्डी के ऊंचा उठने की अनुभूति, सिर में कंपन होना लेकिन इसकी जानकारी न हो, कभी कभी मस्तिष्क में यकायक धमाके की ध्वनि प्रतीति, आधा शीशी का दर्द, पेट की गड़बड़ी या पेशाब की गड़बड़ी की वजह से सिर में दर्द होना, ठंड में कष्ट होना, माथे पर बूंद बूंद पसीना आना। कान के लक्षण, कान में टपकन या चुभन जैसा दर्द, सोंसों की आवाज़ होना, कान में भरेपन की अनुभूति रहे, सुनने की शक्ति का लोप हो जाना। हृदय पुराने दमा का श्वास पतला श्लेष्मा निकलना, श्वास कष्ट और ऊपर चढ़ने पर श्वास बढ़े, पंखे की हवा की इच्छा, रोगी ठंड सहन न कर पाए, हृदय में बूंद बूंद पानी टपकने की प्रतीति महसूस होना, ये हार्ट की एक बीमारी है, इससे ठीक हो जाती है अगर ये लक्षण मिलता है। कौन सा लक्षण? कि हृदय के अंदर ऐसा महसूस होता है कि बूंद बूंद पानी टपकता हो, हृदय में फाड़ने अथवा दबाने की इच्छा वाला दर्द, हृदय की धड़कन के कारण बीच बीच में नींद का टूटना। पेट के लक्षणों में भोजन के बाद अफारा, राक्षसी भूख लगना, भोजन करने के बाद भारीपन, अन्न नली के निचले द्वार में दर्द,
भोजन के बाद पेट में तनाव, जिससे कमर का कपड़ा ढीला करना पड़े। पेशाब संबंधी लक्षणों में पेशाब करने के पहले, बाद तथा पेशाब करते समय मूत्र नली में जलन, तृष्णा, सुई चुभने की अनुभूति, बूंद बूंद पेशाब टपकना, पेशाब दो धार में हो, हंसने या खांसने पर किडनी में दर्द हो, लिंग को दबाने पर एक प्रकार का लसदार श्लेष्मा निकलना। स्त्री रोगों में मासिक धर्म में अधिक मात्रा में काला खून आना, दर्द के साथ रजस्राव, जरायु में स्नायविक शूल के कारण नींद न आना, 8वें महीने में गर्भ गिरने का उपक्रम होना, जरायु से श्लेष्मा का पीला रंग का स्राव होना। पुरुष के लक्षणों में कामो उन्माद, मैथुन करने के उपरांत लिंग में दर्द हो जो अधिक देर तक बना रहे, दर्द युक्त लिंगो उत्थान के साथ ही संभोग की प्रबल इच्छा होना इस औषधि का एक प्रमुख लक्षण है। यानी कि इस दवा का एक प्रमुख लक्षण है, इसको दोबारा बता देता हूँ मैं। पुरुष संबंधी रोगों के अंदर कामो उन्माद, मतलब काम करने का भूत सवार रहना, मैथुन करने के उपरांत लिंग में दर्द हो जो अधिक देर तक बना रहे, दर्द युक्त लिंगो उत्थान, यानी कि लिंग में कड़ापन आता है तो दर्द भी रहता है, इसके साथ ही संभोग की भी प्रबल इच्छा होना इस औषधि का एक प्रमुख लक्षण है। अंग प्रत्यंग में मेरुदंड के दर्द के कारण सिर झुकाए रखना, सीधा न चल पाना, विशेषकर शरीर के निचले अंगों का सुन हो जाना, पैर तथा जांघों की पिंडलियों में दर्द, कंधों में एक तरफ से दूसरी तरफ दर्द, चलने पर थकान होना, सोने की इच्छा होना। इसके रोगी के मन की इच्छा रहती है कि बकवास अधिक करता है, अधिक दूरी को थोड़ी समझना। जैसे गांजा से ये दवा बनी है, गांजा पीने वाला गांजे की चिलम लगाता है ना, तो उसको ये फीलिंग होती है। हम भी है जो एक बार संतों के यहाँ पहुँच गए थे, तो वो गांजा पी रहे थे, क्या बेटा एक दो सुट्टा तू भी लगा ले, दम मारो दम। हमने भी दो तीन सुट्टे लगा लिए। अब उस स्थान से हमारा घर था करीब 1.5 किलोमीटर था, तो हम वहाँ से पैदल रवाना हुए, पैदल ही थे उस वक्त, तो हमें पता ही नहीं कि हम हवा में चल रहे हैं या ज़मीन में चल रहे हैं। तो देखो वो लक्षण यहाँ आया है, तो अगर इस तरह का लक्षण हो तो ये गांजे से बनी हुई दवा उस रोग को ठीक कर देती है। कि इसका रोगी मन में क्या समझता है कि अधिक दूरी को थोड़ी समझना, यानी कि अगर उसके साथ कोई आदमी है वो कहेगा कि यार बहुत दूर है, कौन सी दूर है, ये रही अभी चले जाएंगे, मतलब अधिक दूरी को कम महसूस करता है गांजे के नशे करने वाला। तो अगर इस तरह का कोई लक्षण है तो इससे रोग ठीक हो जाएगा। दिशाओं का भ्रम हो जाना, शरीर के अंग
छोटे महसूस होना, यूँ लगता है भी हाथ छोटा हो गया हो, पाँव छोटा हो गया हो, भूलने की प्रवृत्ति, हंसी जो जल्दी नहीं रुक पाए, हंसेगा तो हंसता ही रहेगा, मानसिक आवेग या उच्छ्वास की दशा, इस तरह के मन के अंदर इच्छाएं होना करना, ये नशा करने के बाद, तो जिस आदमी के कोई बीमारी के अंदर अगर इस तरह के लक्षण हो तो ये कैनेबिस इंडिका देने से वो उसका रोग ठीक हो जाता है, उसके लक्षण ठीक हो जाते हैं। नींद के लक्षणों में यदि नींद से बोझिल रहना किंतु नींद ना आए, निद्रित अवस्था में बातें करना, हाथ पैर में ऐंठन के कारण नींद का टूट जाना, कामों उन्मादी तथा मुर्दों के स्वप्न देखना, काम का उन्माद होता है और सपने के अंदर मुर्दे दिखाई देते हैं, सीने में भार की अनुभूति होना। इसके रोगी के लक्षणों में कमी कैसे होती है कि आराम करने पर, ठंडा पानी पीने पर और खुली हवा में रहने से, और इसके रोगी की तकलीफें बढ़ती है दाहिनी करवट में सोने पर, सुबह के समय काफ़ी पीने से, तंबाकू पीने से और शराब पीने से इसके रोगी की तकलीफें बढ़ती है। कुल मिलाकर के कैनेबिस इंडिका जो है ये गांजे से बनी है, वैसे गांजा और भांग एक ही चीज़ होती है, कल मैं आपको भांग से बनी हुई जिसका नाम है कैनेबिस सैटिवा उसके बारे में बताऊंगा। आज मैंने आपको गांजे के कैनेबिस इंडिका गांजे से बनी हुई उसके लक्षण दिए, कल मैं कैनेबिस सैटिवा के आपको बताऊंगा। एक बात का आप मन में ध्यान रखें, इसका मदर टिंचर अगर लेंगे तो कोई नशा नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बोल देता हूँ। थैंक।